गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम क्लास फोर में चैप्टर नंबर वन का एक्सरसाइज सिक्स में दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज सिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। देखिए, इसमें दिया है फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है नियरेस्ट टेंस निकालना है। आपको जो क्वेश्चन दिया है उसका आपका नियरेस्ट टेन निकालने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्लास फोर चैप्टर नंबर वन एक्सरसाइज सिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका दिया है नियरेस्ट टेन दिया स्टूडेंट्स, नियरेस्ट टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए नियरेस्ट टेन आपको निकालना है, तो यहाँ पर देखिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर ए को लिख रहा हूँ। ए में देखिए आपका दिया है 57। जब भी स्टूडेंट्स आपको नियरेस्ट टेन निकालना है, तो जिसका आपको टेंस का नियरेस्ट निकालना है, तो आप वंस को देखेंगे स्टूडेंट्स। और वंस को देखने के लिए आपको ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा स्टूडेंट्स, यू हैव यूज दिस फार्मूला। आप ऊपर साइड में लिखेंगे 1, 2, 3, 4 और डाउन साइड में नीचे में आप लिखेंगे 5, 6, 7, 8 एंड 9। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, जब भी आप वंस को चेक करेंगे, जब आपको नियरेस्ट टेन निकालना है तो आप वंस को चेक करेंगे। आप वंस को जब भी आपके वंस में 1, 2, 3, 4 ये नंबर्स लिखा रहेगा, तब आप टेंस में या टेंस के नंबर में किसी प्रकार से आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और चूंकि नियरेस्ट टेंस में आपका वंस और प्लेस तो जीरो होता है, तो आपको वहाँ पे जीरो आपको राइट करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 57 दिया हुआ है। ये जो 7 है वो आपका सेकेंड नंबर में यहाँ पर आता है, तो क्या करेंगे, जब आपका नंबर्स जो है निचले नंबर्स में अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 वंस प्लेस में जो आपका डिजिट है, अगर 5, 6, 7, 8, 9 में किनमें से किसी कोई भी नंबर आता है, तो हम टेंस के प्लेस वैल्यू में टेंस के नंबर्स में 1, 8 करते हैं, या जो भी नंबर्स हमको टेंस में दिया हुआ है उस गिवन नंबर का नेक्स्ट नंबर हम राइट करते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, अगर हम 5 में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 6, और चूंकि हम नियरेस्ट 10 निकाल रहे हैं तो वन फॉर प्लेस आपका 0 ही होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार आपका 57 का नियरेस्ट क्या हो गया, 60 हो गया स्टूडेंट्स। एक और मैं आपको निकालता हूँ, देखिए सी को हम बना के दिखाते हैं आपको। सी में आपका दिया हुआ है 291, ये आपको स्टूडेंट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आपको तो नियरेस्ट 10 निकालना है, तो आपको नियरेस्ट 10 निकालना है। आप वंस को देखेंगे, वंस में आपका प्लेस, वंस में आपका कौन सा नंबर है, 1, ठीक है। अब 1 यहाँ पर देखिए आपके ऊपर वाले नंबर में आता है, तो टेंस के तो आपके टेंस वाले नंबर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इसका नियरेस्ट आपका 10 बन जाएगा, 2, 9 और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नियरेस्ट 100। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका नियरेस्ट 100, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए हम ए वाले क्वेश्चन को लेते हैं। ए में आपको दिया है 446, हमको इसका नियरेस्ट 10 बनाना है, नियरेस्ट इसका हमको 100 बनाना है। तो देखिएगा इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमको इस गिवन नंबर का नियरेस्ट 100 बनाना है, तो हम टेंस को देखेंगे। देखिए टेंस में आपका कौन सा नंबर दिया है, 4, और 4 आपका किस में आता है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से हम बना लेंगे 1, 2, 3, 4 पे, यहाँ पे 5, 6, 7 और यहाँ पे आपका 8 और 9। ये जो आपका 4 है ये आपको ऊपर साइड वाले नंबर में आता है, और आप जानते हैं
यू हैव ऑलरेडी नो कि जब नंबर्स, जब आपका नंबर जो है ऊपर वाले नंबर में आता है तब 100 के प्लेस में जो नंबर्स दिया हुआ है उसमें हम किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 100 का प्लस वैल्यू 4 का 4 ही रहेगा। और चूंकि 100 में, नियरेस्ट 100 में आपका 110 जीरो होता है, इसलिए हम यहाँ पर 110 को जीरो कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हम नियरेस्ट 100 निकालेंगे। आइए इनमें से मैं एक क्वेश्चन आपको और करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे। इस प्रकार से देखिए, मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको F को करके दिखाता हूँ। F में देखिए आपको दिया है 6, 2, 5 और 3, ये आपको दिया हुआ है। आपको नियरेस्ट 100 बनाना है। तो देखिए नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा इसका, नियरेस्ट 100 क्या बन जाएगा देखिएगा आप। चूँकि हमको इसका नियरेस्ट 100 बनाना है तो हम टेंस को चेक करेंगे और फार्मूला आपको यही रहेगा स्टूडेंट्स, 1, 2, 3 एंड 4 या 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए आपको नियरेस्ट 100 बनाना है तो आप टेंस को देखेंगे। टेंस में आपका कितना है, 5 है। 5 आपका नीचे वाले नंबर्स में आ रहा है स्टूडेंट्स। तो जब कोई भी नंबर्स आपका नीचे वाले नंबर्स में आता है तब उसके 100 प्लेस पे, ठीक है, तब उसके 100 प्लेस पे हम क्या करेंगे, वन नंबर ऐड कर देंगे। तो देखिए ये 2 जो लिखा है वो आपका 3 बन जाएगा, ये 6 और यहाँ पे 3 आ गया, 110 आपका 0 हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मान लीजिए इसी में आपको नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए बोला है। मान लेते हैं हमको नियरेस्ट 1000 निकालने के लिए बोलता है, तो देखिए कैसे निकालेंगे नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 देखिए क्या बन जाएगा, अगर हमको नियरेस्ट 1000 निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमको नियरेस्ट 1000 निकालना है तो हम 100 वाले प्लेस को देखेंगे। 100 प्लेस में आपका नंबर कितना, 2 दिया है, 2 आपका ऊपर साइड वाले नंबर में आता है तो हम नियरेस्ट 100 वाले नंबर में क्या करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। तो आपका 6 जाएगा और 110 100 आपका 0 होगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से आप नियरेस्ट 100 भी बना सकते हैं और नियरेस्ट 1000 भी आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बाकी जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं 1000 वाले आप खुद से सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।